भैया तुमसे बात कर रहे हैं हम, तो भाग कहाँ रहे हो? रुक जाओ तुम, गाड़ी बंद करिए ना। बंद करेंगे तब बताओगे, अभी नहीं बताओगे हैं? ऐसा कौन काम है जो डर रहे हो, छुपा रहे हो? ये खबर बांदा से है। ये खबर आपको बता रही है कि कैसे जिला प्रशासन के नाक के नीचे अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध चूना भट्टियां चलाई जा रही हैं और खुलेआम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों को अंगूठा दिखाया जा रहा है। जब पंचौरा न्यूज संवाददाता इन अवैध भट्टियों की पड़ताल के लिए निकले तो देखिए क्या हुआ। मैं आपका बताइए, क्या करते हैं यहाँ? हम धंधा करते हैं, अपना काम। क्या है का? चूने का काम है। भैया तुमसे बात कर रहे हैं हम, तो भाग कहाँ रहे हो? रुक जाओ दो मिनट गाड़ी बंद करिए ना, फिर बताएंगे। बंद करेंगे तब बताओगे, अभी नहीं बताओगे हैं? ऐसा कौन काम है जो डर रहे हो, छुपा रहे हो? ये मामला शहर के निम्नपुर काशीराम कॉलोनी इलाके का है, जहां अवैध भट्टियां कहर बरपा रही हैं, हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जब भट्टी चलाने वाले एक संचालक से हमारे संवाददाता ने पूछा तो दबंग संचालक ने सरकारी अधिकारियों की धौंस दिखाते हुए भट्टियों को चलाने की बात कही। चूना है, अभी ये चूना कच्चा चूना है, अभी इसी तरीके से बनता। कैसे? किसी को नहीं पता ना, आप बताइए कैसे बनता। बता तो दिए आपको, चूना है ये। चूना तो हमें दिख रहा, मिट्टी दिख रही है। हाँ, तो बस इसी का चूना बनता। कैसे? अब आप सामने देख रहे हैं ना, इसी तरीके से तो बनाया जाता है इसको। कच्चा है, बन जाता है तो पोतने लायक हो जाता है। तो जी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हो गया आपका? हो गया। अरे है भाई, तो दिखाएंगे क्या? क्यों नहीं दिखा दिया जाए? दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो इतनी जल्दी थोड़ी मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं लिए खड़ा हूँ, दिखा देंगे सर। नहीं तो आप जब काम कर रहे हैं यहाँ पर, रखे हैं, तो आपको जगह भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके पास है। रिन्यूअल कहाँ से होता है इसका? उद्योग विभाग से, यही बांदा से। जी तो रिन्यूअल हो चुका है जी। अच्छा, इसका कोई टैक्स वगैरह भी देते हैं जी? किसको देते हैं? जीएसटी को। जीएसटी वालों को देते हैं, उद्योग विभाग कुछ नहीं लेता? उद्योग विभाग को भी जाता है। हालांकि इसके बाद इन भट्टियों के बारे में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनके पास भी सही जानकारी का अभाव दिखा। नहीं सर, अगर चूना भट्टी शहर में चल रही तो क्या अपने यहाँ रिकॉर्ड, अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं, ये मैं लेकर आया हूँ। अपने यहाँ का कोई हस्ताक्षेप है या नहीं है? तो उसमें सूची है, उसी से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो अगर ये पोर्टल में पड़ी होगी तो हो जाएगा। आपको पता नहीं कैसे पता चले? भाई जो चूना भट्टी चला रहा है उसका मालिक कह रहा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, 20-30 साल पहले कराया। हाँ हाँ, होगा। हम बोल कहते हैं कि नहीं कराया। तो मतलब वो हम मान लें कि वो जो चला रहा है वो सही चला रहा है, अनलीगल नहीं है, लीगल है वो? तो है नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं लीगल है? तो लीगल जब रजिस्ट्रेशन होता होगा। हाँ, तो लीगल में तो होता होगा। नहीं, वो तो कह रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम तो 10 लाख का चेक भी देते हैं, तो ये माना जाएगा क्या? उसने तो कहा है कि उद्योग ऑफिस में हमारे 10,000 का महीना ही बांधे हैं। वो कह रहा है वही बाबू, भट्टी वाला, भट्टी वाला, भट्टी वाला। तो हम मान लेंगे कि 10,000 आपको देता है। क्यों भाई, भैया गलत कह रहा हूँ? ऐसे तो कुछ भी कह सकता है भैया, ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन है या नहीं, बस इतनी जानकारी चाहता हूँ। और अगर नहीं है तो क्या रजिस्ट्रेशन होता है आपके यहाँ, आपका जिम्मेदार है आपका विभाग या नहीं? देखो उस समय प्रतिबंधित आइटम की सूची निकलती है, अगर उसमें बैंड आइटम हो गया तो नहीं हो। अपने पास कोई ऐसी सूची होगी क्या कि कौन कौन से उद्योग, या जैसे कि अभी मैंने बताया चूना उद्योग, तो चूना उद्योग में कितने हैं जो ये लगे हुए हैं? चूना भट्टी चल रही की तो कितनी यहाँ पर अपने जिला उद्योग ऑफिस में है जो रजिस्ट्रेशन है चूना भट्टियों का, या अवैध तरीके से चल रही हैं, बताइए। जी हालांकि पंचौरा न्यूज संवाददाता अनवर रजा और अधिक जानकारी करने जब विभाग के कार्यालय पहुंचे तो उनकी मुलाकात विमल द्विवेदी डिप्टी कमिश्नर उद्यान विभाग महोबा से हुई, क्योंकि ये कार्यालय में उनका पहला दिन था और इस दिन ही उनके बांदा का भी काम देखने का आदेश हुआ। अवैध चूना भट्टियों की जानकारी होने पर उन्होंने इसके खिलाफ कार्यवाही करने का वादा किया और जिम्मेदार विभागों से रिपोर्ट तलब करने को भी कहा। ये जो चूना भट्टी का मामला है अभी मेरे संज्ञान में आया है आपके द्वारा, और मैं इसकी अपने जो हमारे इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा मैं जांच करवाता हूं इसमें, क्योंकि ये केमिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं और प्रदूषण भी होता है इसमें। तो मैं अपनी जो हमारी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की,
मैं उनको भी लिखूंगा, क्योंकि ये जांच का विषय है और अगर लोगों ने विरोध किया है और उनके पास में दस्तावेज पर्याप्त उपलब्ध नहीं होते हैं तो मैं उनकी जांच करा करके कार्रवाई का भी बोलूंगा। देखना है कि अब भी अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से गोरख धंधा फलता फूलता रहेगा या फिर वाकई कुछ कार्यवाही होगी। पंचौरा न्यूज़ के लिए बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट।